सब्सक्राइब कीजिए ऑल इन्फॉर्मर चैनल को, रेड कलर के बटन पर क्लिक कर दीजिए और जो बगल में बेल आइकन है आप उसको भी क्लिक कर दीजिए ताकि जब भी मैं कोई वीडियो डालूं सबसे पहले आपको। हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत से लोगों ने कहा था कि जेबपे से जो अपना आपका क्रिप्टो करेंसी है या फिर जो भी आपका बैलेंस है उसको कैसे डायरेक्ट अपने बैंक अकाउंट में विड्रॉल करना है। तो इससे पहले भी मैंने एक वीडियो बना के डाला था पर कुछ लोगों को समझ में नहीं आया। अब मैं डायरेक्ट जेबपे से, आपको देखिए मेरे पास रिपल है, मैं उस रिपल को किस तरह से यहाँ विड्रॉल करके अपने डायरेक्ट बैंक अकाउंट में भेजता हूँ। सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जो भी वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपको सीधे मिले। देखिए अगर जेपे पे आपके पास कोई भी बैलेंस है अमाउंट INR में है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा आप उसे कोई भी क्रिप्टो करेंसी खरीद लीजिए, जैसे कि और ये वेबसाइट है p4ay.com। इससे पहले मैंने इससे विड्रॉल लिया है और आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। यहाँ पे कई सारे मल्टी क्रिप्टो करेंसी हैं जिनसे आप सेल करके और पैसा पा सकते हैं डायरेक्ट पेपाल अकाउंट में। तो पेपाल का अकाउंट एकदम ज़रूरी है यहाँ पे। यहाँ पे बिटकॉइन है आपका, XRP है, बिटकॉइन कैश है, इथेरियम है, बहुत सारे हैं। तो यहाँ पे देखिए मेरे पास रिपल है, मेरे पास जो भी रुपए थे उससे मैंने रिपल खरीद लिया, 66 रिपल है। तो चलिए यहाँ पे रिपल आपको डाल देना है 65, जैसे मैं 65.50 रिपल सेल करना चाहता हूँ और इसमें जो इसका रेट है 0.35 सेंट है तो उस हिसाब से मुझे $22.92 मिलेंगे। मैं यहाँ पे आपको बगल में पेपाल का ईमेल आईडी डाल देना है और उसके जस्ट नीचे आपको सेल XRP नाउ पे क्लिक करना है। आप देख रहे हैं यहाँ पे जिसमें आप सेल करना चाहते हो उसमें सेल कर सकते हैं, BTC में भी सेल कर सकते हैं, XRP में कर सकते हैं, बिटकॉइन कैश में, इथेरियम में, XMR में। XRP में सेल करने के बाद, XRP इसलिए मैंने सेलेक्ट किया क्योंकि XRP का जो विड्रॉल फी होता है बहुत कम होता है। तो यहाँ पे करने के बाद देखिए इन्होंने एक बारकोड जनरेट कर दिया है और इनका कहना है कि आप इसी बारकोड एड्रेस पर, ये जो वॉलेट एड्रेस है सेंड टू एड्रेस, इसी एड्रेस पे आपको 65.50 XRP सेंड करने हैं। तो चलिए अब हम आते हैं अपने जेबपे के वॉलेट में और वहाँ से आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से आपको इसे सेंड करना है। इस बात का ध्यान रखना है आपको यहाँ 65.50 भेजना ही भेजना है, उससे कम नहीं भेजना है क्योंकि अगर आप कम भेजेंगे तो हो सकता है आपका जो कॉइन है वो मतलब रुक जाए, पेंडिंग में चला जाए या फिर लॉस्ट भी हो सकता है वो। तो यहाँ पे देखिए अब जैसे ही अपने XRP में जाएंगे तो वहाँ पे एक नीचे आपको सेंड का ऑप्शन आएगा, सेंड पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे नीचे एड्रेस पे कहेगा या तो बारकोड जनरेट कीजिए, स्कैन कीजिए या तो आप डायरेक्ट पेस्ट कर दीजिए। देखिए यहाँ पे जो एड्रेस इन्होंने दिया हुआ है नीचे वो एड्रेस बिल्कुल मैच कर रहा है बारकोड से जैसे स्कैन किया। तो उसके बाद नीचे यहाँ पे आपको डेस्टिनेशन टैग जरूर देना है। डेस्टिनेशन टैग देखिए यहाँ पे दिया हुआ है 6775531600। मैंने ये चीज़ डाल दिया, एक बार फिर मैं एड्रेस को वेरीफाई करूँगा। आर क्वाइन बिल्कुल सही है एड्रेस। अब मैं यहाँ पे इसे सेव कर दूँगा। इससे पहले भी मैंने एक विड्रॉल लिया था P4AY पे तो उसको मैंने अलग नाम से सेव किया है, इसको मैं P4AY2.2 के नाम से करूँगा। अब यहाँ पे सेंड करना है तो मैंने एक यहाँ पे गलती की है, वो गलती आप बिल्कुल नहीं कीजिएगा। जेबपे जो है वो अपना जो ये विड्रॉल फी है 0.15 XRP ये ऑलरेडी इंक्लूडेड, ये काट लेता है। देखिए आपको 65.50 ही एग्जैक्ट सेंड करना है यहाँ पे, जैसे 65.50 है यहाँ पे भी आपको 65.50 ही सेंड करना है। मैंने गलती क्या किया, देखिए मैंने यहाँ पे 65.65 सेंड कर दिया क्योंकि 50 प्लस 0.15 इनका ट्रांजेक्शन फ़ी, चूँकि इन्होंने यहाँ पे शो नहीं किया है कि हम ट्रांजेक्शन फ़ी ऑलरेडी काट चुके हैं, तो मैंने यहाँ पे जो है 1.5 ज़्यादा सेंड कर दिया। देखिए सेंड करने के बाद मुझे पता चला कि मैंने 65.80 सेंड कर दिया। तो चूँकि ये मतलब एक प्रॉब्लम वाली चीज़ है कि हो सकता है कि मेरा कॉइन ये फंस जाए फिर इसका पेमेंट मुझे नहीं मिले, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं। मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ, जैसे ही मैंने पेमेंट किया देखिए लेफ़्ट साइड में टैब पे दिखा दिया ऑलरेडी स्टेटस जो है कंफर्म हो गया और मेरे पास एक मेल आ गया कि आपके जो है जितने 65.50 XRP आपने भेजे थे वो सक्सेसफुली हमें रिसीव भी हो चुके हैं। और राइट साइड में देखिए जो मुझे 2 घंटे का टाइम दिया गया था 2 घंटे के अंदर ये प्रोसेस हो चुका है। साथ ही एक और मुझे मेल आया था कि आपने जो एक्स्ट्रा 0.15 भेजा था उसको रिफ़ंड किया जा रहा है, आप एक्स्ट्रा अमाउंट ना भेजें, इस चीज़ का ध्यान रखें। नीचे के एड्रेस इन्होंने दिया है उस पर क्लिक करने के बाद मैंने क्लेम किया, क्लेम करने के ठीक 1 मिनट के बाद मुझे 0.15 XRP मेरे वापस जेपे में मिल गया। देखिए जैसे ही यहाँ पे पेमेंट सक्सेसफुली दिखा दिया आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए, टेंशन फ्री हो जाइए, आपको कुछ भी नहीं करना है P4AY पे, कोई डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करना है, कहीं कुछ नहीं करना है। मैंने ये चीज़ कर दिया, पेमेंट सक्सेसफुली हो गया। पेमेंट सक्सेसफुली होने के बाद देखिए P4AY के नाम से एक मेल आएगा आपके पास जो कि स्पैम हो सकता है, स्पैम बॉक्स में आए,
यहाँ पे देखिए मेरे पास भी आया हुआ है 11:15 पे देखिए आया है। ये लोग कह रहे हैं कि गारंटेड हम लोग इतना मिल गया है और हम लोग गारंटी दे रहे हैं कि आपका जो अमाउंट है वो 3 कन्फर्मेशन जैसे ब्लॉकचेन पे होगा वो आपको आपके पेपाल अकाउंट पे भेज दिया जाएगा 12 घंटे के अंदर। बहुत केसेस में 1 या 2 घंटे में ही ये अमाउंट क्रेडिट हो जाता है। तो चूंकि मैं इससे पहले भी एक बार कर चुका हूँ, ये दूसरी बार कर रहा हूँ, इसलिए कर रहा हूँ ज़ेप्पे से क्योंकि लोग समझ नहीं पा रहे थे कैसे करना है। चूंकि मैं बैलेंस यूज करता हूँ तो इस वजह से मैं यहाँ पे इस क्वाइंस करके आपको दिखा रहा हूँ। तो अब देखिए ये चीज़ प्रोसेस हो गई है, आप एक बार ध्यान रखिएगा। जैसे ही आपका ये स्टेटस कंप्लीट होगा लेफ्ट साइड में पी फॉर ये क्वाइन पेमेंट के, आप स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा ट्रांजेक्शन नंबर का, ट्रांजेक्शन आईडी का, आपका पेमेंट आईडी का। अब देखिए करीब 3 घंटे के बाद, 3 या 4 घंटे के बाद, मैंने 11 बजे पेमेंट किया, शाम को 4 बजे 5 बजे के आसपास मेरे पेपाल अकाउंट में मुझे 22.48 USD मिले। चूंकि इन्होंने 22.92 कहा था बट मुझे 22.48 ही मिला। ये देखिए आप दिखा दूं मैं आपको, 27 अगस्त के डेट में ये अमाउंट मुझे मिला हुआ है जो कि इन्होंने भेजा था मुझे करीब 24.08 USD जो कि काट छाँट के मुझे 22.48 USD मिला है। तो इस तरह से आप देखिए ये पेमेंट सक्सेसफुली रहा, मैंने वहाँ से जो भी मेरा था XRP फंसा हुआ था वो मैंने विड्रॉल करके सक्सेसफुली अपने बैंक अकाउंट में ला के दिखा दिया आप लोगों को। तो अगर आपके पास भी INR है तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा उसको ख़रीद लीजिए कोई भी क्वाइन और फिर वहाँ से उसे इसी प्रोसेस से विड्रॉल कर लीजिए। पेपाल ज़रूरी है, पेपाल पे अकाउंट बना लीजिए। यहाँ पे देखिए 28 तारीख को ये अकाउंट सक्सेसफुली मेरे बैंक अकाउंट में भेज दिया गया है। तो आप भी कीजिए, कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।